इकबाल टाउन के इलाके नजफ कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 9 साल बच्चे अली रजा से मुबैना ज्यादती और कत्ल का मुलजिम हलाक। गिरफ्तार मुलजिम नईम को जाय वकुआ पर ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर ही मारा गया। पुलिस का ऐसा दावा है, इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे अरसलान हैदर से। जी अरसलान, इस वाक़े के हवाले से ब्रीफ कीजिएगा। बाल टाउन से बच्चे को अगवा के बाद कत्ल का जो मामला था, ये जो बच्चा था जिसका नाम रजा बताया जा रहा है, ये कम सितंबर को एक बाल टाउन के इलाके से लापता हुआ, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज इसकी जो लाश थी वो दरिया रावी से बरामद हुई। और पुलिस ने इसके जो दोनों मुलजिमान थे इनके वालिदैन की निशानदाही पर दोनों मुलजिमान को जो था वो हिरासत में जो लेने की कोशिश की, तो एक मुलजिम जिसका नाम नईम था उसे हिरासत में लिया गया। उसके बाद जब पुलिस का ये कहना है एसपी बाल टाउन का कि जब मुलजिम नईम को जयबुकुआ पर लेकर जाया जा रहा था कि रस्ते में इसके साथियों ने मुबैना फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुलजिम जो था वो हलाक हो गया। और पुलिस ने जब बाकी की तहकीकत शुरू कर दी है, जो मुलजिम नईम था पुलिस एसपी बाल टाउन का कहना है कि वो सबका रिकॉर्ड याफ्ता था, इसके ऊपर डकैती और चोरी के मुकदमा भी जो थे वो पहले से दर्ज थे और पुलिस को मतलूब था। इसका जो साथी उस्मान जो है वो इस वक्त फरार होने में कामयाब हो गया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मार रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द उस्मान जो था मुलजिम और साथी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और अब जो ये मुलजिम था इसका रिकॉर्ड और साबका रिकॉर्ड जो था वो तमाम तफसीलात जो है पुलिस ने हासिल कर लिया और उसके ऊपर भी बाद भी मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है कि इनके और कौन कौन से साथी थे। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर आपका।